नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन को सफल बनाने के लिए आज फतेहाबाद में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित इस सम्मेलन में पगड़ी संभाल जट्टा में बड़ी संख्या में पंजाब हरियाणा के किसानों ने भाग लिया। सम्मेलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भूमिका निभाई। इसमें सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और रैली को हरियाणा के अलावा पंजाब के किसानों और किसान नेताओं ने भी संबोधित किया। किसान नेताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा कि खुद को किसानों की हितैषी होने का दम भरने वाली भाजपा सरकार आज किसानों पर जुल्म ढाने का काम कर रही है। वहीं किसानों के खिलाफ ऐसे कानून ला रही है जिसमें भविष्य में न तो किसान रहेगा और न ही किसानी। एक बार फिर से देश का अन्नदाता किसानों की हालात और गुलामों की तरह हो जाएगा। इसे नेताओं ने इस तरह से कहा कि जब किसान अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर आता है तो सरकार उन पर बल प्रयोग करती है, जैसे किसान आंदोलन न होकर के कोई अपराध हो रहा हो। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 26 नवंबर को बड़ी संख्या में किसान दिल्ली जाएगा और निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन उन्हें रोकने का काम करेंगे, मगर किसानों ने इस बार ऐसी रणनीति बनाई है कि सरकार देखती रह जाएगी और किसान दिल्ली भी पहुंच जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि इस बार किसान सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर के और राशन पानी साथ लेकर बड़ी संख्या में लड़ने के लिए जाएगा। किसान सम्मेलन के उपरांत बड़ी संख्या में किसानों ने शहर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट राजेश फांबू के साथ। ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਇਲਾਕਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੰਡੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ
जिते तुम सू सदोगे अभी आवे कल 11 बजे चंद्रावन पिंड में मीटिंग रखी गई है। सारे इलाके जावे लोगों जगावे और इन पार्टियां भी नीतियां दसागे। अज भाजपा साढ़े खिलाफ नीतियां लेके आ रही है, कांग्रेस चुप करके वो तमाशा देख रही है, वो सोच रही है भाजपा के खिलाफ जाएंगे वोटा सानू अपने आप लोग पा देंगे। पर इन लोगों ने भी पछाड़ो, वो लोग साढ़े नहीं गए, जिसे 33 MLA आ वह भी साढ़े नाल नहीं गा, वह अखबार फोटो दिता बयान दिता भी मैं किसानों नाल आ। सचमुच लोग किसानों ना हो फिर मैदान छोड़ जिदा भाजपा का विधायक मैदान च है और लोग तमाशा कर रहे हैं और सू समझना चाहिए इन्हों पार्टियां नीतियां। सारे लोग सब तो वोट लेना चाहते हैं, अब साढ़े नाल कोई नहीं गा। अज किसान मैदान में कला अज अं इस लहर में होर वड्डा करांगे। अज औरतां साढ़े नाल आईयां साढ़िया मावां भैणां और इकट्ठ वधदा जाएगा। असीं इह पुरख पा दित्ती है जे हुण यूरिया की किल्लत आई फिर सानू बच करना पएगा, जे शहद की किल्लत आएगी उह शहद नूं जाम करांगे। इह प्रशासन सोच ले और इहदे दुकानां दे अगे यूरिया दीआं लिस्टां लगावे, गोदाम किन्ना यूरिया पिया वह दसदे नहीं दुकानदार कि किन्ना यूरिया पिया। बस तुसीं आए हो, मैं उम्मीद करदा साडी
आज ये पगड़ी संभाल जट्टा किसान सम्मेलन किसान संघर्ष समिति के झंडे नीचे हम कर रहे हैं। हमने वो नारा दिया है जो गुलाम देश में जब हमारे देशभक्तों ने दिया था, चाचा जीत सिंह ने दिया था, पगड़ी संभालो जट्टा। आज फिर वही नीतियां देश में मोदी सरकार लेके आ रही है जिससे किसानों को तबाह कर, खेती तबाह हो जाएगी किसानों की। आज दोबारा इस नारे की जरूरत है। हमने आज यहाँ सम्मेलन किया, ये सम्मेलन दिल्ली की तैयारी के लिए कर रहे हैं। दिल्ली की हमने बड़ी तैयारी कर रखी है, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियों से हमने दिल्ली का घराव करना है। यदि हमें प्रशासन दिल्ली की तरफ नहीं जाने देगा तो रास्तों को ब्लॉक कर लिया जाएगा। खाने पीने का राशन साथ लेके चलेंगे और बड़ी लड़ाई देश में किसान देने जा रहा है। और आप देखोगे सरसा के अंदर हमारा लगभग 50 दिनों से एक मोर्चा चल रहा है और जो राज्य सरकार है वो कुंभकर्ण की नींद सोई, किसानों से बात करने को तैयार नहीं, मगर किसान इस बार लड़ेगा। आप देखो यूरिया की किल्लत है, यहाँ कालाबाजारी हो रही है यूरिया की, और मतलब खुले में खुला प्रशासन की मिलीभगत से कालाबाजारी हो रही है। दुकानदार किसानों को यूरिया के साथ जो गुल्ली डंडे की दवाई है टॉपिक वगैरह वो थोप रहे हैं, और ग्रोथ प्रमोटर के नाम से कोई घटिया खादे दे रहे हैं, और किसानों का शोषण किया जा रहा है। सरकार सोई पड़ी है। आज हमने प्रशासन आपके माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहते हैं, इन कालाबाजारी को बंद किया जाए, नहीं तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हर हाल में यूरिया हम लेके रहेंगे। यूरिया के ऊपर जो कालाबाजारी है जिस यहाँ के प्रशासन से मिली भगत करके की जा रही है, एक प्रति बैग 100 रुपये ज़्यादा भी वसूले जा रहे हैं। और पंजाब में यूरिया बंद कर रखी है गवर्नमेंट ने, पंजाब के साथ उन्होंने तेला व्यवहार कर रखा है। अभी पंजाब के किसानों की लड़ाई बड़ी है, उस लड़ाई को तोड़ने के लिए सेंटर सरकार ने मालगाड़ियां नहीं चला रखी और यूरिया पंजाब में नहीं जा रही। पंजाब के किसान हरियाणा के अंदर यूरिया लेने के लिए आ रहे हैं, मगर हरियाणा की सरकार पंजाब के किसानों को यूरिया देना नहीं चाहती। एक नारा दे रहे एक 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 देश है एक मंडी, अंदाजा लगा सकते हो ये इन्होंने पंजाब को पाकिस्तान समझ लिया है। और पंजाब के किसानों को रोकने के जो बयान आ रहे हैं इसके हम खंडन करते हैं। हर हाल में यूरिया पंजाब को भी दी जाए और हरियाणा के किसानों को यूरिया मिले, ये भी हमारी एक मांग है। और आज खरीद बंद की जा रही है, धान की खरीद बंद की जा रही है। भी धान बिका ही नहीं, सरकार के सीएम साहब कह रहे थे हम दाना खरीदेंगे, अभी भी वो जो पंजीकरण करवा रखा है लोगों के नाम पड़े, नाम ही नहीं आ रहे। और दो नंबर के अंदर धान सैलरों के अंदर भरा जा रहा है, और ये सारा प्रशासन से मिली की बात करके खेल, लाखों रुपए का करोड़ों रुपए का चूना जो टैक्स के पैसों से जो खजाना भरता है उसको भी लगाया जा रहा है। और हमने ये लड़ाई आज ऐलान करेंगे दिल्ली जाने का, अभी हम शहर के अंदर के मार्च करेंगे। किसान यहाँ की बड़ी लड़ाई देने के लिए तैयार है। दिल्ली हमारा 17 संगठनों का मोर्चा, वैसे ये 500 संगठनों का कार्यक्रम है दिल्ली का। दिल्ली हम कब जाएंगे कैसे जाएंगे ये हमने गुप्त तरीके से, क्योंकि सरकार हमें रोक ना पाए इसको हम अंडरग्राउंड तरीके से हम मूवमेंट को चलाएंगे, क्योंकि हम मेन सड़क पर आना चाहते हैं। मेन हमें रास्ते में ना रोका जाए, हम इसको 24 को भी चल सकते हैं, 23 को भी चल सकते हैं। अभी हमने वो इसको ओपन नहीं करेंगे, हम कहाँ से चलेंगे। और हमारी जो नीचे टीमें हैं उनसे उनको एक दिन पहले बताया जाएगा हमने कहाँ इकट्ठे होना है। रामलीला मैदान की हम मांग कर रहे हैं, मगर दिल्ली में जाने की परमिशन नहीं दे रही सरकार फिलहाल। और हमें पता है अभी ये कोरोना का भैद खा रहे हैं और इलाज का कोई प्रबंध नहीं है, और मतलब ऐसा भैद खा रहे हैं। अब कोरोना काल में ही ऐसे कानून लेके आए हैं इन्हें, ये इसका मतलब सरकार की जो भीड़ है ये सरकार करवा रही है। सरकार को ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे जब देश में एक बीमारी का माहौल है, और ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं जो लोगों के खिलाफ है, तो लोग तो सड़कों पर आए। आज पगड़ी संभाल जट्टा के नाम पर जा रहा है। पगड़ी संभाल जट्टा शहीद राजा भगत सिंह के चाचा जी सरदार अजीत सिंह ने 1907 में शुरू किया। टांके दयाल की कविता सी, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, लुट लिया माल तेरा लुट लिया माल, ये उसकी कंटिन्यूटी है। क्योंकि अज भी किसान लुटिया जा रहा, मजदूर लुटिया जा रहा, छोटा दुकानदार लुटिया जा रहा, कारपेट कराने अडानी अबानी वर्ग वो व्यापार से तो पहले काबज है, तेल से काबज आ, कारा से काबज आ, जहाजा से काबज आ, रेलवे स्टेशन से काबज हो रहा है, रेलवे अडानी दी जा रही है, छोटे दुकानदार वालमार्ट इतने एंटर कर गया, एमेजन कंपनी ने सारा व्यापार जोड़ा वो छोटे दुकानदार को रहने नहीं देना, ऐसे दुनिया सब तो बड़ी कंपनी है। कितने भाग लिया जी? हाँ वो मनदीप जी बताएंगे। रणनीति हमारी जो पहले पंजाब से शुरू हुआ था, 5 जून को जो अध्यादेश जारी हुए थे, 5 जून को 3 अध्यादेश जारी हुए थे जो किसानों के और खपत करके विरोधी हैं,
कि 2 करोड़ तो किसानों के विरोधी हैं जी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म है और MSP खत्म करने की बात है, मंडी खत्म करने की बात है, जो सेंशन कमेटी एक्ट है वो लोगों के लिए है। अगर मंडी चलेगी तो सरकार लोगों को सस्ती रेट पर दे सकती है, अगर व्यापारी खरीदेगा, व्यापारी नहीं कार्पेट खरीदेगा तो वो स्टोर कर लेगा, जैसे आलू 5.50 का बिकता है, प्याज 2 रुपये 80 रुपये का बिकता है, ऐसे ही सारा चीज मिलेगा। जैसे मक्की हम से 500 की ली है तो मक्की 3500 का आटा बिक रहा है, वो कार्पेट कराने हैं ऐसे स्टोर कर लेते हैं, उनके पास स्टोर हैं, छोटा दुकानदार स्टोर नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारी नीति है कि जब से ये अध्यादेश शुरू हुए हैं तो तब से पंजाब में लड़ाई शुरू हो गई, साथ ही हरियाणा में शुरू हो गई, वहाँ जून से शुरू हो गया, जहाँ 9 अगस्त से शुरू हो गया हरियाणा में, तो उसके बाद बढ़ती बढ़ती जब 25 सितंबर को हमने हिंदुस्तान बंद का सदर दिया, पंजाब बंद का, तो हिंदुस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है कुल हिंद किसान संघर्ष तालमेल कमेटी, उसने अडॉप्ट कर लिया, 18 स्टेटों में उसका प्रोटेस्ट हुआ। तो आज जो सत्ता दे रहे हैं जी 25 और 26 और 27 का दिल्ली जाने का है, इसमें 22 सूबों के किसानों ने पार्टिसिपेट किया है, हिंदुस्तान के सभी, भारत के सभी 3 जो ग्रुप थे, 3 संगठन थे, वो एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। आज 500 किसान जथेबंदी हैं सारे हिंदुस्तान में, सभी एक जगह पर है, एक कमेटी बना लिया उन्होंने, और जो 26-27 तो बोल रहे हैं जाने की बात बोल रहे हैं, वापस आने की बात नहीं है, वापस पे ही पक्का मोर्चा चलेगा, जितनी देर मांग नहीं मानी जाएगी वही किसान रहेंगे, खाना साथ ले जा रहे हैं, बेसन साथ ले जा रहे हैं, पकाने का सामान साथ ले जा रहे हैं, ये 3 महीने 6 महीने साल जितना भी चलेगा। और बात एक तरफ आर पार की लड़ाई इसको बोलते हैं हम, एक कुछ ना कुछ प्राप्ति के बिना नहीं आए, सरकार दिल्ली जाने से रोकती है आपको, जहाँ रोकेंगे वहीं गांव बसा देंगे, उसका नाम हमने रखा है घेरा डालो डेरा डालो। हमने रामलीला ग्राउंड में डिमांड की थी 3 दिन के लिए, 26-28 नवंबर को, उसकी जो ग्राउंड की कमेटी है वो BJP की है, उन्होंने अलाउ कर दिया, वहाँ की MCD भी BJP की है, उन्होंने भी अलाउ कर दिया, मगर कैसे सरकार काम करती है, पुलिस की तरफ से जवाब दे दिया। और जो आम आदमी पार्टी का केजरीवाल बोलता है कि मैं किसानों का बहुत हमायती हूँ, दिल्ली जाने से कुछ दिन पहले ही कानून ले आए कि 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, Lockdown 3 शुरू कर दिया, ये लॉकडाउन नहीं चलता, ये जो चलता है कोरोना नहीं है, किसान का डर है, जब किसान एजिटेशन करता है तो कोरोना का ले आते हैं, कोरोना के नाम पर ही बिल पास हुए हैं, कोरोना के नाम पर ही रैली कर पाबंदी की जा रही है, पिछले 5 महीने और 16 दिन हो गए, किसान सड़कों पर है, रेलों पर है, बीमारी है, पर इतनी बड़ी बीमारी नहीं कि किसी लोगों को ऐसे चलते चलते चल जाएगी, कोई किसान कोरोना से नहीं मरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलवंत सिंह संधू है। लड़ो भी फसल ठीक हो जाए, उसके बाद में रेट खतर लड़ो भी रेट ठीक मिल जाए, जब रेट मिल जाए सरकार तो लड़ो भी पीछे दे दो खत्म बूटे, और अब जो सरकार पीछे देने लगी तो कंपनियां, नागरिक का अपना हक नहीं है कि देश में, यह किस कारण का है कि हमारे जो भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं, ये इस चीज में एकजुटता हो गया, हम उठाते नहीं। 2.5 लाख कर्मचारी है सारे प्रदेश में, 2.5 लाख कर्मचारी सरकार तक है, वह मांग मनवा लिया 10 दिनों के अंदर, हम शुद्ध खेती करने वाले 1 करोड़ लोग हरियाणा में, हमारी मांग नहीं मानी जा रही, कमाल हो रहे हैं भी, सोचने वाली बात है, एकजुटता तो वो है, 2.5 लाख कर्मचारी है, किसी को कह दिया आज तेरे को काम नहीं करना तो वो करेगा नहीं, आज तेरे को धरने में आना आएगा, हम 1 करोड़ लोग हमारे में जो आते मान जाए तो सरकार ही खड़ी हो जाए, और पार्टी किसी को भी ना देखना, पार्टी कोई कांग्रेस भले ही है ना, दो दल भले जो विपक्ष में आए, क्योंकि कांग्रेस के विधायक 31 है, कांग्रेस के रोक के तो सारा प्रदेश ना रुक जाए, एक विधायक 5,000 आदमियों को तो बुला ही सकते हैं, सारा प्रदेश रुक जाता, किसी की मर्जी नहीं है बुलाने की। जाएगी मंडियां खोलने का क्या मतलब है, हमें कब दिक्कत थी मंडी खोलने से, यहाँ का जमींदार कहाँ पर लेकर जाए। आप सबको दोबारा से प्रणाम करता हूँ जिसने 1 मिनट 1 घंटा यहाँ निकाला, जय जवान, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें लिए छोड़ो साथियों से चल रहे हैं अभी मार्च की तरह शायद बाद में किसान नहीं खाने हैं। ये जो तीनों कानून है मंडी को बाद में इधर कर दूं ना, खेती को खत्म करने वाले हैं, मंडी को इधर कर दूंगा बाद में, किसान दिखा दिए, आड़ती और मुनीम को खत्म करने वाले हैं, फार्मर प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से अंग्रेजी का है ये शब्द, असेंशियल कमोडिटी एक्ट नाम से अंग्रेजी का 1955 जिसको बोलते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसमें स्टॉक की सीमा होती थी पुराने समय में,
लेकिन इन्होंने सीमा सारी खत्म कर दी। कारपोरेट के लिए बड़े बड़े घरानों के लिए कानून बनाए गए। शॉर्ट ले रखे मैंने। हमारा किसान छह महीने